थाने से दुल्हन की विदाई, विपक्ष ने नहीं की रुकने की व्यवस्था। स्वागत सत्कार में रखी कमी तो बेटी की विदाई से किया इनकार। शराब पीने के बाद हुई बहस, सोने की नहीं व्यवस्था। बिहार थाना क्षेत्र के महल सराय में हुए विवाह समारोह में वर पक्ष और वधु पक्ष आमने सामने हो गए। बात यहां तक पहुंच गई कि दुल्हन की विदाई तक अटक गई। आरोप था कि वर पक्ष ने ललितपुर से आए दुल्हन के परिवार और रिश्तेदारों के स्वागत सत्कार में कमी कर दी, यहां तक कि उनके रुकने की व्यवस्था नहीं की थी। इसी से गुस्सा आया। दुल्हन के परिवार वालों ने शादी के बाद बेटी को विदा करने से मना कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा और काफी जद्दोजहद के बाद टीआई ने थाने से दुल्हन की विदाई करवाई। ये एक पुराने शिवपुरी में एक विवाह समारोह था, जिसमें एक शिवपुरी का एक पक्ष था। जवाहर कॉलोनी में विवाह हो रहा था। एक शिवपुरी का पक्ष था और एक ललितपुर का पक्ष था। लड़की वाले ललितपुर के थे, लड़के वाले शिवपुरी के थे। इनका विवाह समारोह था और वो आज सुबह विवाह संपन्न हुआ, लेकिन कुछ परिवार के कुछ लोग थे, लड़की पक्ष के लोग, जो कुछ नशे में थे, तो उनका कुछ मुवाद हुआ लड़के वालों के परिवार के लोगों से, जिस पर थोड़ा सा माहौल उनका ख़राब हुआ। तो दोनों पक्ष में विवाह के बाद एक मनमुटाव टाइप के होने से ये दोनों पक्ष शादी में विदा करने से इनकार करने लगे लड़की पक्ष वाले, जिस पर दोनों पक्ष के माता पिता थाने आ गए थे, वर पक्ष के भी और वधु पक्ष के भी, जिन पर आपस में दोनों में बहसबाजी चल रही थी कि हम विदा नहीं करेंगे। और लड़के पक्ष वालों का कहना था, अगर लड़की को विदा नहीं करेंगे तो हमारा चढ़ावा जितना जेवर और पैसा हमने दिया वो वापस करें। जिसके भी पुलिस ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को समझाया। तो क्या सर, विदा थाने से कराई है क्या? हाँ, दोनों पक्ष को समझाने के बाद लड़की की विदा थाने से लड़के वालों के साथ कराई गई और लड़की पक्ष वाले भी इसमें सहमति जाहिर की इन्होंने। और ये मामले को हमने बड़ी शालीनता से पुलिस ने और अपने एकमत अमली से तो सुलझा कर और लड़की की विदा थाने से कराई थी।